हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। आइए दोस्तों, आज के शैक्षिक समाचार शुरू करते हैं। CICSE के 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के नतीजे आज नई दिल्ली। 93% अभ्यर्थियों ने दी PTET BA BEd और BSc BEd प्रवेश परीक्षा में 91.74% अभ्यर्थी हुए शामिल। जिला परिषद तबादला कैंप की वजह से अटकी पोस्टिंग, अजमेर। बीकानेर के 234 सेकंड ग्रेड टीचर्स को ट्रेनिंग लेने जाना होगा झुंझुनू। गंभीर रोगी और गर्भवती महिला टीचर सहित MT को छूट। निजी स्कूल प्रांतीय अधिवेशन 16 मई को 12 में अजमेर। क्लेट की ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर डाउन होने से स्टूडेंट्स परेशान, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने का दावा, जोधपुर। निजी स्कूलों को सहायता की जगह मान्यता प्राप्त संस्था शब्द जोड़ने पर आपत्ति, सरकार ने नहीं माना। RUHH में चल रहे 11 कोर्स पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता किसी के नहीं, काउंसिल ने मान्यता लेने के लिए लिखा था पत्र। 8 साल से सीनेट बैठक नहीं, 2010 से अब तक के ऑर्डिनेंस पास नहीं हुए। सरकारी स्कूल 1200 रुपये वेतन पर रख सकेंगे सफाई कर्मी। 7 साल से इजाद की 30 से ज़्यादा तकनीक, देश के 13 बड़े संस्थानों को पछाड़, नंबर वन बना उदयपुर CTE। आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल का एक्ट बने तो 6 साल हो गए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज तक शुरू नहीं हो पाया। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आए 690 आवेदन, कल अंतिम तिथि, अब तक 6000 आवेदन लिए गए। आनन फानन में निकाली भर्तियां, नहीं रखा नियमों का ध्यान, 2 माह में 30 शुद्धि पत्र। प्रदेश में 55,000 से ज़्यादा पदों की भर्तियां, जिस तेजी से भर्ती एजेंसियों ने निकाली उसी रफ्तार से कर दी है अब संशोधनों की भरमार। तो कहाँ जाए फेल होने वाले विद्यार्थी, स्कूलों में श्रेष्ठ बोर्ड परिणाम के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। RU नॉन टीचिंग पदों पर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आज से, जयपुर। ये थे दोस्तों आज के मुख्य शैक्षिक समाचार, धन्यवाद।